गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि अभी का टाइम हो रखा है 7:05 और मैं छिपा रखा हूँ जैसे कि कबूतरों को दाने देने के लिए। तो यहाँ पे गिरते हैं, कबूतर आ रखे हैं, थोड़े बहुत अभी थे जो उड़ गए। जैसे कि दूर दूर घेर देते हैं, उससे नहीं है कोई लड़ाई भी नहीं करेगा और अपने अलग अलग खा लेगा। और पानी भी बता रही थी बुआ जी, देखते हैं किधर है वो पानी की टूटी। पानी भी भरते हैं यहाँ पे, जैसे कि इधर डब्बे रख रखे हैं थोड़े बहुत। तो गाइस देख सकते हो कैसे कबूतर आने चालू हो चुके हैं और वो सब जैसे कि उड़ रहे हैं ना, वो सब इधर आके बैठेंगे। और कुछ स्टैंड पे इधर घेर दिया मैंने, कुछ उधर घेर दिया दाना, तो आएंगे धीरे धीरे सब। तो हाँ जी गाइस, सभी का टाइम हो रखा है 11:14 और जैसे कि नहीं है घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो चलो चलते हैं कोई मॉल में। तो जैसे कि नहीं हम पहले जाते थे वीआर मॉल में, ऐसे आज भी चलते हैं वीआर मॉल में। फिल्म देखने का प्लान किया तो था पर नहीं है, नहीं बैठा प्लान। तो नहीं ऐसे घूम के आते हैं और खा पी के आते हैं बस से। तो नहीं है अभी चलते हैं बुआ के घर पे पहले, फिर उधर से चलेंगे बस में, ठीक है। सो जैसे गाइस अभी नवन घर पे आ चुका है, अभी हम जाएंगे वीआर मॉल एंड नीचे गाड़ी बुक कर रखी है, तो चलते हैं सीधा। आपसे मिलते सीधा वीआर मॉल में एंट्रेंस में। सो जैसे कि गाइस हमारा पोपट हो चुका है एंड सो गाइस पोपट हो गया। सो गाइस जैसे कि नहीं है गाड़ी बुक करी थी, उसने खुद ही कैंसिल कर दिया। और हम क्या सोच रहे वो आएगा नहीं थे और यहां भी वापस बुक किए हैं, वापस बुक किया है और देखते हैं 10 या 5 मिनट बाहर है, तो देखते हैं आए तो अबे यार पोपट हो गया गाइस, जूते पहना था जूते फिर वो गंदा हो गया, दूसरा पहना दूसरा भी नहीं हुआ, चप्पल पहन के आना पड़ा। सो गाइस जैसे कि नहीं बहुत मेहनत के बाद में 1 घंटा हो गया, अभी तक टैक्सी आई नहीं है। और जैसे कि ये बिल्डिंग के पीछे आ रखी है बता रहे हैं, तो आगे आएगी देखते हैं। टैक्सी नहीं है तो हम बस स्टैंड ले लेंगे, वहां पर बस स्टैंड है वहां से बस ले लेंगे हम लोग। टैक्सी नहीं है तो अभी देखते हैं, वो आ रहा है आगे नहीं आए तो बस कैंसिल कर देंगे। ऑटो ले बोला रुक गया, ये आ गई, यही होगी, यही टैक्सी है लगता है, सिर्फ डिजायर। तो जैसे ही गाइस अभी हमको मिल चुकी है टैक्सी एंड अभी हम जा रहे हैं सीधा वीआर मॉल। 350 यार मरोड़ी एड्रेस इन गया, एड्रेस मरोड़ी मिस्टेक, ये हमारी टैक्सी है। अगर एड्रेस ले लेंगे ना एडिट लेंगे एड्रेस, हमें तो सीधा वीआर मॉल अंकल सर, वेस्ट कॉर्नर। तो हाँ जी गाइस फाइनली वीआर मॉल पहुंच गए, ये है एंट्रेंस और इधर से देखे नहीं है, इधर से बढ़ेंगे हम अंदर। ए आजा, इधर चेकिंग, ये वीआर मॉल का एंट्रेंस। यहाँ पे है फूड डिपार्टमेंट, जैसे कि बर्गर पिज्जा विज्जा सब कुछ मिलते हैं इधर। और ये जैसे कि नहीं आईफोन के कैमरे से जैसे फोन वन ले सकते हैं और बस ऐसी। तो गाइस ऐसे ही घूमते हैं ना कि हमने कोई मूवी बुक कर रखी है ऐसे, जैसे कि नहीं है इसमें छोटे बच्चों के कपड़े ले सकते हैं इधर से। और देख सकते हो अभी चलते हैं ऊपर गेमिंग फ्लोर में। सो गाइस हम इधर क्यों आए वो हमें नहीं पता, क्योंकि नहीं है सब अपने अपने साथ, मतलब कैसे बताऊँ रहे सब अपने अपने जोड़ी में फिक्स है, बस हम ही अकेले रह गए लगता है दुनिया में। और जैसे ही मॉल का पिक्चर देख सकते हो, मॉल ऐसा एक पार्ट है जैसे कि मैंने पहले पिछले व्लॉग्स और शॉर्ट वीडियो में भी बताया होगा। और जैसे कि उधर कपड़े वपड़े सब कुछ उधर मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उधर बॉयज़ के कपड़े मिलते हैं, इधर नहीं है गर्ल्स के कपड़े मिलते हैं। और ये अंकल जी नहीं है गांव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि नहीं है तो जैसे कि गाइस अभी तो नहीं है वो गए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए। फिर चलते हैं पिज़्ज़ा सेंटर पे, पिज़्ज़ा खाते हैं और इसको गेम खेलना है तो केक तो बाद में खाएंगे, गेम खेलना है तो इसको गेम भी खिलाएंगे। तो ऊपर है गेम सेंटर, तो जैसे कि उधर ट्रेन दिख रही होगी आपको, उधर चलेंगे बाद में, ठीक है। ओए थर्ड फ्लोर में है, उदयसी एसी रूम है ना, उधर दिख रहा होगा आपको, ऊपर जाके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे गाइस अभी हम वीआर तो पहुंच चुके हैं एंड अभी मेरे को खेलना है गेम,
ये तो थर्ड फ्लोर में है। अभी अच्छा को चिड़ाएंगे आज कि हम वी आर मॉल आ रखे हैं। एंड जो योगिता दीदी प्रिया और सिटी ना वो इस वाले में गया है, इस वाले के अंदर गया है। एंड जब वो आएंगे तब उनको लेकर चलते हैं थर्ड फ्लोर में। सेम आज थर्ड का मेरा स्कूल है अर्चना का था। एंड आप लुक हियर गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं केक भले ही वहाँ है बट क्या ही करें, करना कुछ नहीं सही ऐसा। अब सीधा चलते गेमिंग सेंटर में। सो गाइस इसको ये गेम खेलना है जैसे कि नहीं है कि ओके गेम है रे। हां क्या गेम है वो, क्या क्या गेम है वो? ये जाके जैसे कि इसको कैच पड़ेगा तो हमारा हो जाएगा ये, फिर हम घर पे लेके जा सकते हैं। और जैसे कि नहीं है ऐसा कुछ गेमिंग चैनल है, गेमिंग चैनल नहीं है सॉरी, गेमिंग प्ले वो है जैसे कि उधर झूले चल रहे हो और ऐसे पूरा घूम के उधर तक लास्ट तक है। तो चलते हैं अंदर, ये भी मस्त है जैसे कि इसमें के टॉयस, इसको भी ऐसे पकड़ के लेके जाना है। ना आ जा, वाओ फुटबॉल का भी दे रखा है जैसे कि इधर पूरा नहीं है पकड़ने वाला टॉयस, ये टेडी बियर। सो गाइस गाड़ी तो चल पड़ी पर ये नहीं चल रहा, आराम से आराम से आराम से मोड़ दे मोड़ दे मोड़ दे। सो गाइस हमारे बस में जैसे कि नहीं है हमारा ड्राइवर है ये, तू भी चला। चलो दो हैंडल दे रखा है इधर और चलाते हैं इसको। ऐसे कर रहा हूँ गाइस, पैसे भी ना कुछ नहीं होता तो उतरना अपने लिए अच्छा ही होगा। और जैसे कि ऐसा कुछ गेमिंग चैनल है और जैसे कि पता है तो देव बोल रहा है कि इस राइड पे घूमेंगे पर नहीं है, इसमें जैसे कि नहीं है हमें कार्ड खरीदना पड़ेगा, कार्ड खरीदने के बाद में नहीं है इस राइड में जाना पड़ेगा। वो कार्ड है ना ₹2 में आएगा, वो ₹4 में चार या पाँच राइड जा सकते हैं। तो ऐसे घूमते हैं फिर चलते नीचे खाने के लिए। तीन चार ऑर्डर कर रखे जैसे कि अभी तो नहीं है, व्हाइट पास्ता आ गए हैं और क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, मार्गरिटा पाव भाजी एंड पेपर फ्राइज आना बाकी है एंड लावा केक एंड जूस तो आ गया है। और जैसे कि ये तो मरिंडा तो आ चुकी है, तो वेटिंग करते हैं फिर इसको खाते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है तो गाइस जैसे कि हमारा नंबर है, ऑर्डर नंबर है 58, इधर 57 चल रहा है तो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चलते हैं उसको ऑर्डर लेने के लिए। ठीक सो गाइस जैसे कि ये फ्रेंच फ्राई पिज़्ज़ा और वाइट पास्ता आ चुका है, बस पाव भाजी की वेटिंग में है। और जैसे कि ये आ जाए तो खाते हैं, पाव भाजी का अभी तक मना नहीं लगता मुझे, जैसे कि नहीं हमने उधर दे रखा है पिज़्ज़ा पाव भाजी का ऑर्डर तो मस्त है। सो गाइस फाइनली पाव भाजी भी आ चुकी है और जैसे कि हमने इतना कुछ ऑर्डर कर रखा है, जैसे कि नहीं है नाश्ता पानी करके आ गए हैं और अभी चलते हैं कहाँ, नीचे चलते हैं और जैसे कि सोडा पीते हैं और फिर चलते हैं घर पे, क्योंकि नहीं है अभी बस जाएगी ना, और बस भी जाओगी बहुत सारी, बस भी जाएगी मैडम देखते हो ओला में। तो गाइस आते वक्त ओला के हमारे 350 लग गए, हमने बुक करी थी 300 में। कोई बात नहीं गाइस अभी चलते हैं नीचे और फिर बाद में चलते हैं घर पे आईफोन के स्टोर में। और जैसे कि नहीं है ये फ़ोन देख सकते हो, ये है आईफोन 14 और इलिया सॉरी। सो गाइस वी आर मॉल से बाहर आ चुके हैं और जैसे कि अभी बस का वेट कर रहे हैं, तो नहीं है बस इधर आएगी उसके बाद में चलते हैं। एक बस निकल गई, बस का वेट कर रहे थे पर बस निकल गई तो नहीं है, एक बस और आएगी जैसे कि इधर आती रहती है तो उसको लेते हैं और चलते हैं फिर। ठीक है एक आ रही है पीछे आ रही है 121 एम आ रही है, ओए आगे आ जाओ या कौन। बस मिल गई और जैसे कि बस भी पूरी खाली है, चलते हैं घर पे, मिलता हूँ आपसे सीधा घर पे। सो गाइस डिनर कर लिया है और जैसे कि तैयारी कर रखी है सोने की, गुदरे बुदरे बिछा रखा है, एसी चला दी और आप कुछ नोटिस कर रहे हो तो वो तो कमेंट में बता देना कैसा लग रहा हूँ। ठीक है यार थोड़ा खास चल रहा था इसलिए काट लिया बस, और कुछ नहीं था, मुझे भी लग रहा है मैं भूंडा लग रहा हूँ,
और क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है मस्त। तो कल जाएंगे और इसको थोड़ा कटिंग वटिंग करा के हैंडसम हो के आएंगे, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइस।